ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था, एक आपका ट्रेंड जो है वो आपका बुलिश ही चल रहा है, ठीक है। 17,800 तक का मार्केट था और वहाँ से अपने लोगों को देखना था, प्लस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे अगर गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुलता है। मार्केट खुला गैप अप और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ने अगेन आपको एक ट्रेड दे दिया, ठीक है। कल पूरा लॉजिक समझाया था मैंने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का कि क्या लॉजिक होता है, वही सेम चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए चलो, ठीक है। कल है एक्सपायरी, ठीक है। कल एक्सपायरी पे आने वाला है मज़ा, क्यों? क्योंकि HDFC बैंक के रिजल्ट हैं, सैटरडे को आएंगे, उससे पहले और फ्राइडे की आपकी छुट्टी है, ठीक है। जैसे हो सकता है मैं कल लाइव आ जाऊँ, जैसे अभी फिर निफ्टी एक्सपायरी पे लाइव आया था, ठीक है। तो कल हो सकता है मैं लाइव आ जाऊँ, फिर उस पर यूट्यूब पर नहीं आऊँगा तो ऐप पर आ जाऊँगा, बता दूँगा जैसा भी होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज़ योर डबल टॉप, ठीक। मार्केट में मैं अभी थोड़ा सा बेरिश नहीं हूँ, उसका मैं रीज़न आपको भी बताऊंगा, लेकिन अगर ये वाला स्विंग तोड़ता है, ठीक है, तो आप हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करना, ठीक है। सेलिंग की साइड हम लोग हाफ क्वांटिटी में जा रहे हैं, बाइंग की साइड हम लोग फुल क्वांटिटी में जा रहे हैं। आज जो हम लोगों ने शीट मेंशन करी थी उसमें भी क्या थी स्ट्रेटेजी अपनी, बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी थी, करेक्ट। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होती है तब अपने लोगों को बाइंग की साइड ज़्यादा प्रेफर करना होता है, सेलिंग की साइड प्रेफर नहीं करना होता है, ठीक है। ऐसा करके अगर करना भी होता है तो अपना ये करना होता है, कम क्वांटिटी में या स्कैल्पिंग करके निकल जाना होता है, ठीक है। ये अपने अब इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने, कौन कौन से आ रहे हैं, जहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट आया था और जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये आ रहा है आपका वो लेवल। कौन सा वो सपोर्ट का लेवल है, 17,725 के आसपास। मार्केट ऐसा बना हुआ है कि आपको हर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, तो आप अगर मौके पर मतलब डिप पे बाय करने की कोशिश करते हो तो बेहतर रहता है, ठीक है। ये आपका है इम्पोर्टेंट लेवल। अब अगर खुलता है गैप अप, अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे, प्रेफर करेंगे इस लेवल पे या इस लेवल पे 17,810 या 17,000 आपका इस पे 790 के आसपास, 775 के आसपास, सॉरी, ठीक। वन डे का एक बार चार्ट देख लेते हैं। मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे था। अच्छा, आज मार्केट ने आप देख रहे हो ना कितना 17,800 के इंपॉर्टेंट लेवल को भी एक बार रिट्रेस किया, लेकिन वापस से बायर्स आ जा रहे हैं। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, जब ये ब्रेकआउट आया था तो आपको पता था कि इस ब्रेकआउट में और उस ब्रेकआउट में क्या फ़र्क है। अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क बताया था, ताकि मैं भी जानूँ कि आप समझ रहे हो नहीं, ठीक है। तो हमने निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल कर लिए, ऊपर का लेवल सभी चेक करते हैं, एक्सपायरी के ऑप्शन चेन पे चल के और रेंज बनाते हैं और देखते हैं शॉर्ट कवरिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू पर ट्रिगर हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 17,800, ठीक। अगर मैंने 800 का स्ट्रेडल शॉर्ट किया है जिसका प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 92 रुपीज़, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ होगी जाना, जब ये आपका 890 के ऊपर जाना शुरू करेगा, ठीक है, या 870 के मान लो, ठीक, और ये नीचे पे आपका 17,700 बनेगा, यानी ये तो आपकी आ रही है रेंज, ठीक। अगर किसी कारणवश कल 17,890 वगैरह आपका क्रॉस कर देता है, ऊपर की साइड आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी, नीचे आपका वही लेवल 17,700 है। याद रखना, अगर मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होना है या फिर कुछ होना है तो जब तक 17,700 आपका नहीं टूटता है तब तक अपने लोग नहीं सोचेंगे और सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी, तब तक बाय ऑन डिप्स करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का आपका 741,500 है, ठीक है। 37 लाख कॉल्स हैं और 40 लाख आपकी पुट्स हैं, मतलब यहीं पे कॉल सेटल मार्केट आए, लेकिन पुट राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं। दैट मीन्स दिस इज़ योर बुलिश सिग्नल। कल मुझे बैंक निफ्टी में बुलिश होना ज़्यादा पसंद होगा इंट्राडे में रादर देन निफ्टी में, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपकी कॉल 3 लाख 10 लाख, ठीक है, 3 लाख 7 लाख। इधर की मैं अगर बात करता हूँ तो 17 लाख 4 लाख, ये ठीक है, यानी 41,400 के नीचे मेरा ऐसा होगा 4380 के आसपास का बनेगा। अगर मेरे को यहाँ पे कहीं मिलता है बढ़िया, अगर आ जाता है तो बाइक छोटा सा 100 पॉइंट का एसएल डालेंगे, तभी करेंगे। पॉजिटिव प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, लेट से मार्केट आपका 41,380 आ गया, हमारे पास ये लेवल आ गया था बाय करने का, तो हमें करना क्या है, इस पर एक 5 मिनट की कैंडल को बुलिश बनने दो ग्रीन, और जैसे ही इसके हाई के ऊपर क्लोज करे, हो सकता है 380 पे ना मिल के आपको 440 पे बाइंग मिले, तो आपको एक एसएल मिल जाएगा और आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। सिंपल स्ट्रेटेजी ये है हमारी बाय ऑन डिप्स की बैंक निफ्टी में। सेलिंग की साइड में थोड़ा सा भी अवॉइड कर रहा हूँ, अगर सेलिंग का केस होता तो फिर मैं आपको बता ही देता। अगर सेलिंग करना होगा तो ऊपर के लेवल पे करेंगे, वो मैं आपको शीट पे मेंशन कर दूंगा कि अब आपका सेलिंग मोड एक्टिव हो गया या फिर शीट पे आपको बोल्ड करा हुआ दिख जाएगा। फर्स्ट हाफ में मैं अभी सेलिंग की तरफ थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर होगा भी हम बाय नहीं करेंगे, मतलब डेटा नेगेटिव अगर कल जा रहा है तो हम लोग बाइंग की साइड नहीं जाएंगे, सेलिंग का ट्रेड छोड़ देंगे, ठीक है ना। वैसा करके बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ हैं, 41,800, ठीक है। 41,800 के ऊपर फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है अगर 800 के आसपास आता है। अगर 800 के आसपास जो भी बाय करा हुआ वो 800 के आसपास जरूर प्रॉफिट को बुक करे, बिकॉज रीज़न क्या है आपका, 800 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है, आते हैं यहाँ देख रहे हो समवेयर अराउंड, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो 41,800 अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, कल काट गया ये, तो ये HDFC बैंक के रिजल्ट है, तो फिर आपकी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है यहाँ तक की, जो कि आ रहा है आपका 42,100 तक के आसपास तक की भी, ठीक है। ये अगर शॉर्ट कवरिंग काटता है, अब देखो ध्यान से क्या चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे काटे, तो अपने को दोनों तरीके के मैं आपको बताता हूँ, अगर काटेगा तो कैसे काटे, तो आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो आपकी बन रही है, अगर आप शॉर्ट साइड जाना है तो ट्रेंड लाइन वाइज जो प्राइस सेक्शन पे काम करते हैं टोटली, तो आप कम क्वांटिटी में ही जाना। अगर सेल साइड जाते हैं तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बता दी है। अब मार्केट यहाँ पे आके आपका टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देती है सेकंड हाफ में, ठीक है, ध्यान समझना। सेकंड हाफ में ऐसा ट्रेड ब्रेकआउट देती है, अगेन मेरे को बाइंग की साइड मिलेगा, लेवल आपने नोट कर लिया है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होगा, ये कंटिन्यूशन पैटर्न में ऊपर चला जाएगा, तो मैं अगर करूँगा भी तो हाफ क्वान्टिटी में जाऊँगा, कम क्वान्टिटी में जाऊँगा, रीटेस्ट के बाद दोबारा जाता है तब मैं अपनी क्वान्टिटी साइजिंग को इंक्रीज करूँगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम में अगर ब्रेकआउट देता है। ये सारे केसेस हो गए आपके बाइंग के साइड के, बाइंग ऑन डिप्स के। बाय ऑन डिप्स में सेकंड कौन सा डिप मिलेगा आपको, जहाँ से ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया था, यहीं पे आपका ब्रेकआउट आया एंड देन मार्केट यहीं पे रिट्रेस करके आपका ऊपर चला गया। ये लेवल कौन सा है, 41,400, तो वो हमको एक मिल गया। 41,300 के नीचे अगर कभी भी मार्केट जाती है, गैप डाउन खुलती है, कुछ भी होती है, अपने बाइंग की कोई पोजीशन जितनी भी एनालिसिस सबको हटा देना, फिर अपने लोग साइड में बैठेंगे, उसके बाद देखेंगे सिर्फ, ठीक है। कल मैं आपको एक्सपायरी में आपका मदद करता रहूँगा अगर आया तो यूट्यूब पर, ठीक है। तो यही आपका इस तरीके से आपका बैंक निफ्टी का पैटर्न बन गया। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, यही लेवल है, ठीक है, 41,200 से 300 के नीचे, ठीक। ऊपर के लेवल पे अपने लोग शॉर्ट कहाँ पे सोचेंगे, अगर करना ही है तो 42,000 के आसपास, क्योंकि एक राउंड लेवल है 40,050, 42,000 से लौट रहा है, उसके बाद कॉल शॉर्ट के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि उसमें भी टाइट एसएल के साथ है ना, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेने चाहिए। याद रखना, वनडे का चार्ट देखते हैं। पहली बार मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इस दिन बाय कराई थी, करेक्ट। ये वाले दिन पे मैंने आपको टेलीग्राम पर मैसेज किया था एक दिन पहले, थर्सडे को, अगर कोई पुराना व्यूअर को याद होगा, कि मैं बुलिश नहीं हूँ अभी आज के लिए, मंडे के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बुलिश थे, डेटा था तो साथ आ गया, लेकिन कभी भी याद रखना ऐसा एक ट्रेंड होता है, तो एक दिन जब तक आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाओ ना, जब तक आपको मिल रही है, जब तक हो सकता है और ऊपर जाए, एक दिन तो एसएल कटेगा ही, वो एसएल आपको ये डेटा बचा लेगा, ठीक है। जो आर यू वैल्यू वाला चीज़ था, जो स्कोर वाला आर यू स्कोर है, वो चीज़ आपको बचा लेगा एसएल। तो इन दैट केस आसान रखने के लिए मार्केट को, जहाँ ट्रेंड जा रहा है वहाँ जाओ, और फिर आपसे वही क्वेश्चन है कि ऐसा क्या डिफरेंस है इस ट्रेंड में और प्रीवियसली ट्रेंड में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।